बंद कर दिया। भारतीय संस्कृति का अद्भुत स्वरूप यह है कि उसके अंदर कई संस्कृतियां परत दर परत आपस में गुथी हुई है। इसका जीवंत उदाहरण समस्त भारत भूमि पर वैदिक और पौराणिक देवी देवताओं के साथ साथ लोक धर्म के देवी देवताओं की उपासना के रूप में भी देखने को मिलता है। हमारे वैदिक साहित्य में देवताओं के अलावा अदेवताओं के नामों और उनकी पूजा पद्धति का उल्लेख भी है। अमरकोश नाम के ग्रंथ में ऐसे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। कई स्थानों पर ऐसे ही लोक धर्म के देवी और देवताओं की उपासना और पूजा स्थानों की जानकारी से आप भलीभांति परिचित भी होंगे। जहां लोगों ने जीवित समाधि ली है और वह स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया है। ऐसे ही एक स्थान जनपद सुल्तानपुर से 30 किलोमीटर दूर विकासखंड धनपतगंज के चंदौर में है, जहां हम आपको ले चलते हैं। कंट्री लीडर के साथ आप उस स्थान पर पहुंचे हैं जो कालांतर में सूर्य उपासना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। इस मंदिर की पौराणिक कथा में एक ब्राह्मण साधक की कथा जुड़ी है। लोग इसे ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी महाराज ने इसी स्थान पर 12 वर्षों तक गोमती की धारा में एक पांव पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी और माघ सुदी पूर्णिमा सन 1923 में यज्ञ करते हुए अग्नि कुंड में पूर्णाहुति का भाग बने और अपने शरीर भस्मी भूत करते हुए सूर्य में विलीन हो गए। जिनकी समाधि यहाँ बनी है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। गर्भगृह के पूरब यज्ञशाला है, जहाँ समय समय पर यज्ञ आयोजन होते रहते हैं। गर्भगृह के दक्षिण भाग में शिवलिंग की स्थापना की गई है। हालांकि इसका निर्माण कार्य अभी हाल का हुआ दिखाई पड़ता है। बताते चलें, गर्भगृह में कोई देव प्रतिमा नहीं है। ब्रह्मचारी महाराज की समाधि बनी हुई है, जिसको देव प्रतिमा की तरह पूजा जाता है और लोग उपासना करने के साथ इसी समाधि पर मत्था टेकते हैं। कहते हैं कि इसी स्थान पर सन 1923 को यज्ञ का आयोजन हुआ था। यही यज्ञ कुंड बना था, जहां आज समाधि बनी हुई है, और इसी यज्ञ कुंड में ब्रह्मचारी महाराज अपने शरीर को पूर्णाहुति का भाग बनाते हुए भस्मीभूत किए थे। आश्रम परिसर में ही गौशाला है, जिसकी सारी व्यवस्था आश्रम के पीठ पुरुष महाराज अवधेश दास जी स्वयं देखते हैं। आश्रम में पालित गायों का नाम भी देवी देवताओं के नाम पर है, जिन्हें स्थानीय लोग नाम से ही पुकारते हैं। इन गायों का दूध मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। चलते हैं इस आश्रम के महत्व के बारे में पीठाधीश्वर संत महाराज अवधेश दास से बात करते हैं और जानते हैं कि इस आश्रम का महत्व क्या है और यहाँ कौन कौन सी गतिविधियां आश्रम द्वारा संचालित।
इस आश्रम के महत्व के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें। आश्रम का महत्व तो भगवान की कृपा से बहुत है, जो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यद्यपि ये सनातन धर्म की समाधि परंपरा का जीवांत उदाहरण यहाँ मौजूद है। हमारे पूर्वजों में अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्यागने का नाना प्रकार का जो विधान बना रखा था, उस विधान को यहाँ निर्वाहन किया गया और तप बल का भी यहाँ जो उदाहरण मिलता है देखने को, वो अपने में अद्वितीय है। श्री बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की महिमा गाथा जो भी है, ये आप गांव में जाकर के बच्चे बच्चे के मुख से सुन सकते हैं कि यहाँ साक्षात शिव का दर्शन होता है। अगर हृदय देखे, समाधि पर बैठे, गौर करे तो साक्षात शिव है। जिस प्रकार से भगवान राम जल में समाधि लिए थे, एक छोटा सा उदाहरण, भगवान राम अपने पंचभौतिक शरीर को त्यागने के लिए जल के माध्यम से लिए थे समाधि, और बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज उसी तरीके से यज्ञ की अग्नि में समाधि लिए। भगवान राम जल में अपने शरीर को त्यागे हैं, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जीवित यज्ञ। तो जैसे भगवान राम की महिमा है, जो भगवान शिव की महिमा है, साक्षात शिव हैं बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज। समाधि में भगवान शिव रहते हैं और शिव स्वरूप समाधि होती है, तो साक्षात शिव हैं और इसमें दो राय नहीं है। महाराज जी, इस आश्रम से कुछ रचनात्मक कार्य भी चलते हैं, जैसे आपकी हम देख रहे हैं कि यहाँ गौशाला भी है, तो इसका रखरखाव गौशाला का, इसका प्रबंधन कैसे होता है? ये प्रबंधन तो स्वच्छंद रूप से आकाश वृत्ति पर है, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा पर। लोगों का सहयोग मिल जाता है, गौशाला चल रहा है, संचालित हो रहा है। यद्यपि हमने एक छोटा सा ट्रस्ट भी बना रखा है, लेकिन ट्रस्ट अभी वित्तहीन है, उसमें किसी प्रकार का कोई वित्त नहीं है। जो भी वित्त है, हमारे जो सदस्यगण हैं, जो उनका शुल्क है, वही वित्त है। बाकी सब आकाश वृत्ति पर है। मंदिर भी बन रहा है बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज का, स्कूल भी भगवान की दया से जमीन ले ली गई है, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना है, 2023 तक वो भी निर्माणाधीन है, पूर्ण हो जाएगा, संचालित होने लगेगा। जो बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज आदि में यहाँ रहकर अपने शिष्यों को गुरुकुल परंपरा से योग वेद वेदांत की शिक्षा देते थे, तो हमारा प्रयास है और हमारे ट्रस्ट का, हमारे स्थान का, हमारे भक्तों का ये प्रयास है कि वो परंपरा जागृत रहे और एक छोटा सा स्कूल भी या महाविद्यालय, जो भी भगवान की कृपा हो, उसकी स्थापना यहाँ की जाए। और सामाजिक कार्य भी अपना करते रहते हैं, नदी है, जल है, जो भी अपने से होता रहता है, थोड़ा बहुत करते रहते हैं भगवान की कृपा। तो कुछ आध्यात्मिक गतिविधि भी साल में चलती है यहाँ? जी भैया, बराबर चलती रहती है। जैसे दीपावली में यज्ञ हर प्रत्येक वर्ष होती है जी, सब चंडी महा